इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है बादशाहो। रिलीज के साथ ही ये फिल्म बड़े बड़े धमाके कर रही है। बादशाहो को रिलीज हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने पहले दिन 12 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी, वहीं दूसरे दिन फिल्म की कमाई में काफी अच्छा उछाल देखने को मिला था। फिल्म ने दूसरे दिन 15 करोड़ 60 लाख की कमाई की थी, वहीं अब तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। फिल्म ने तीसरे दिन लगभग 18 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ बादशाहो ने अपने वीकेंड पर 45 करोड़ 65 लाख का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। बात करें फिल्म के बजट की तो इस फिल्म का ओवरऑल बजट 80 करोड़ है। मिलन लुथरिया के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 3,242 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। भले ही इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली हो, लेकिन लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आ रही है। प्यार, धोखे और एक्शन जैसे मसालों से भरपूर बादशाहो एक फुल लॉन एंटरटेनर है। इस फिल्म में अजय और इलियाना के अलावा इमरान और ईशा भी मुख्य भूमिका में है। सभी ने फिल्म में शानदार काम किया है। वही ट्रेड एनालिसिस का कहना है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में और भी जबरदस्त कमाई कर सकती है। वाला अब देखना दिलचस्प रहेगा कि एक्शन से भरपूर अजय की बादशाहो अपने फर्स्ट वीक में कितने करोड़ का कारोबार करती है। मिर्ची बॉलीवुड की रिपोर्ट।